नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर बहराइच से। थाना नानपारा ब्लॉक बलहा जिला बहराइच की ग्राम सभा पतरहिया के ग्राम जुगराज पूर्वा में श्री महंत बाबा के दरबार में साप्ताहिक भागवत कथा का आयोजन किया गया था। इस स्थान का लोगों में बहुत बड़ी श्रद्धा है। इस स्थान को श्री महंत बाबा के नाम से जाना जाता है। कई गाँव के लोगों का इस स्थान से काफी श्रद्धा एवं भक्ति जुड़ी है। लोगों का मानना है कि यहां पर कथा भागवत एवं पूजा पाठ करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी उपलक्ष में ग्राम जुगराज पूर्वा के लोगों ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी के द्वारा साप्ताहिक कथा भागवत का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक पंडित दीपक तिवारी, जो कि ग्राम केवलपुर के रहने वाले थे, और हारमोनिया एवं भक्ति गीत एवं भजन गायक श्री पंडित जगमोहन गिरी महाराज, ग्राम सभा चकदहा के रहने वाले, एवं ढोलक मास्टर दीप, ग्राम बागपुरवा के रहने वाले, एवं अन्य उनके सहयोगियों के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें जिस कमेटी का गठन किया गया उसमें धनीराम चौरसिया, पप्पू चौरसिया, मणिगुण चौरसिया, देशराज चौरसिया, केवल चौरसिया, चंद्रसेन चौरसिया, सोमनाथ वर्मा, शंभू वर्मा, लवकुश वर्मा, राजकुमार वर्मा, डॉक्टर पवन कुमार वर्मा, संतोषी लाल चौरसिया एवं सभी लोगों का संपूर्ण परिवार और ग्राम सभा पतरिया प्रधान विजय कुमार चौधरी एवं ग्राम सभा की जनता के सहयोग से साप्ताहिक कथा भागवत आयोजन को पूर्ण किया गया। इसमें बहुत सी कथाएं पंडित दीपक तिवारी एवं पंडित जगमोहन गिरी के द्वारा भजन गायन एवं कथा को सुनाया गया। इन कथाओं को सुनने के बाद बहुत से लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली और बुराई के ऊपर जीत का पाठ सिखाया गया। कथा पूर्ण होने के बाद सातवें दिन संपूर्ण भक्तों द्वारा हवन कराया गया और बताया गया कि हवन करने से मन और पर्यावरण दोनों शुद्ध एवं साफ होते हैं। हवन पूर्ण होने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कई ग्रामवासियों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया गया और कमेटी एवं ग्राम सभा प्रधान विजय कुमार चौधरी द्वारा सभी लोगों को भोजन करने के लिए हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया गया कि सभी भक्त यहां पहुंचे और भंडारे में भोजन अवश्य करें। इसी के साथ ही काफी शांतिपूर्ण तरीके से भंडारा पूरा हुआ। बहराइच क्राइम ब्यूरो, राजकुमार वर्मा की रिपोर्ट।